नमोदाय जैविन साथियों, आज हम गाजियाबाद के अंदर हैं और गाजियाबाद के अंदर ये साथियों का जोड़ा चल रहा है भगवान बुद्ध का शिविर के तहत। तो हमारे साथ आज बिकुनी है जो सीतापुर से आई है। आप अपना परिचय दें थोड़ा सा। मैं एडवोकेट बिकुनी अतदीपा सीतापुर से, और मैं यहाँ दिल्ली में कार्यक्रम में आई थी और आप लोगों का स्नेह मिला, प्रेम मिला, तो मैं इधर आ गई आप लोगों के बीच में। बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिल करके, और हम चाहते हैं कि ऐसे ही बुद्ध धर्म के अनुयायी मिलते रहे और सहयोग मिलता रहा, तो हम धर्म को आगे बढ़ाने में आकर्षित हो सके। आपके इधर जो सीतापुर है उधर बहुत सारा बैकवर्ड एरिया है जी जी, तो उधर किस तरीके से कार्य कर रहे हैं आप लोग? कोई गोदाचार्य वगैरह या आप ही केवल धम्म देश में दे रहे हैं? नहीं, हमारे बहुत सारे लोग कार्य कर रहे हैं, जैसे बहुत सारी भिक्षुणियां हैं लेकिन वो वृद्ध हैं, लेकिन वो समाज में जा करके अपने लोकल एरिया में समाज में चलती रहती हैं, जगाती रहती हैं। और हमारे उधर कई संगठन भी चलते हैं, लेकिन जो है ओबीसी अभी बहुत कम जुड़ पा रहा है क्योंकि वो अपना इतिहास जानना नहीं चाहता है। तो इसलिए हमारा ये प्रयास है कि सभी लोग जिन पे अत्याचार शोषण और जो भी है वो अपने को जाने और बुद्ध धम्म की राह पे चलें, हमारा ये सतत प्रयास रहेगा। तो ये जो है आप मुझे ये बताइए, हम ओबीसी के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं ज्यादा? क्योंकि वो हमारा ही भाई है ना, वो पहले बौद्ध थे लेकिन बाद में क्या हुआ कि उनको गुमराह कर दिया गया और उनकी जो संस्कृति थी वो भी थोड़ा सा डिसबैलेंस करी गई, और इसी वजह से उन्होंने अपने इतिहास को भुला बैठ करके वो समाज के साथ नहीं आया। आप एक एडवोकेट है, चमत्कार है कि एक वकील जो भिक्षुणी बन रही हैं, ये भी बहुत अच्छा भगवान बुद्ध का वो है। आप वकील है, मैं आपको कानून तो नहीं बता सकता लेकिन मुझे ये बताइए कि अभी 10% का आरक्षण ब्राह्मणों ने दिया है जो गवर्नमेंट ने पास करा सुप्रीम कोर्ट में, ओबीसी वाला एक नहीं बोला, समाज सेवक एक नहीं बोला, धार्मिक वाला एक नहीं बोला, 15% की आबादी और 4 नौकरी इसके लिए तैयार खड़ी है। ये है कि देखिए उनका अभी जानकारी नहीं है पूरी ना, इस वजह से लोग नहीं बोल रहे। कुछ लोग तो अपने राजनीतिक दबाव में नहीं बोल रहे हैं, कुछ लोग उनको है अपने इतिहास की जानकारी नहीं है, सामाजिक जानकारी नहीं है, वो अपने इतिहास को पढ़ते नहीं है कि हम क्या हैं और हमारा कहाँ पे क्या अधिकार है, इसलिए उन्होंने जो 10% का आरक्षण लिया यही मुख्य कारण है। हम ओबीसी को अपना मानते क्यों हैं जबकि ओबीसी तो हमारा है ही नहीं कभी भी, ओबीसी तो सबसे ज्यादा मनुवाद में भरा हुआ है। यही कारण है कि उनको अभी जानकारी नहीं है कि हम पूर्व में क्या थे, और इसके प्रति क्योंकि वो आडंबर में सबसे ज्यादा फंसे रहे और फंसाए गए आडंबर में, इसी वजह से वो लोग मनुवाद के साथ में जुड़े रहे। लेकिन हम इस पर नहीं बात करेंगे, हम केवल हमें हमारा कार्य जो है वो धम्म की बात करना, धम्म को बताना। यदि धम्म को जानेंगे तो वो जरूर धम्म के रास्ते पे चल करके अपने अधिकारों के प्रति और अपने उसके प्रति सजग होंगे। आप सीतापुर के अंदर कोई ट्रस्ट वगैरह या इधर पे कुछ उपासक, या आप आज गाजियाबाद के अंदर दूसरी सभा कर रही हैं, तीसरी सभा कर रही हैं, तो उधर कोई ऐसा आयोजन वगैरह कुछ है या इधर गाजियाबाद आकर कैसा लगा? हमें गाजियाबाद में आके बहुत अच्छा लगा, हमारे इधर भी कार्यक्रम होते रहते हैं लेकिन ट्रस्ट के मध्य से नहीं होते हैं कार्यक्रम। हमारे यहाँ भी जागरूकता है, बहुत अच्छे अच्छे लोग कार्यक्रम करते हैं, लेकिन जो यहाँ पे आज सामूहिक विवाह बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा जो हम देख रहे हैं, तो वो इतना बड़ा विशाल कार्यक्रम जो देख रहे हैं उसे देख करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी उधर प्रयास करोगे? बिल्कुल प्रयास करेंगे, और ये बात हम अपने बौद्ध अनुयायियों के बीच में रखेंगे और हो सकेगा प्रयास उनको सजेस्ट करके और उनको अपनी बात रख करके और ऐसे कार्यक्रम के आयोजन करवाने में। बहुत बहुत साधुवाद आपका, हमारे साथ भी है और एडवोकेट भी है।
तो आपके लिए हमारे लिए मंगल कामना करेंगे, हम आपके लिए नहीं करेंगे। मंगल कामना है, चाहे सीतापुर के हो चाहे गाजियाबाद के हो, पूरे देश के लिए हमारी मंगल कामना है। और सभी लोग धम्म को पढ़े, धम्म को जाने और धम्म के अच्छे विचार अपने में धारण करके और अपने को सदगति की ओर ले जाए। साधु हमारे हमको लोग याद करने वाले बहुत होंगे और जब हमारी अनुपस्थिति में हम उनके जुबान पे उनके दिलो दिमाग में हम गूंजते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे। इसलिए जब हम जानते हैं कि हम हमारा जीवन जो है वो सच्चाई से हट नहीं सकता है, तो इस सच्चाई में हम तमाम प्रकार के अंधविश्वासों में जो घिरे रहते हैं, हम तमाम अंधविश्वासों में जो समाहित रहते हैं, तो इन अंधविश्वासों का कोई मतलब रहता है? नहीं मतलब रहता है, ठीक है। जैसे आप बांध लेते हो काला पीला नीला लाल सफेद, अब जैसे क्या करते हैं ना हमारे समाज के लोग करते हैं ना, लाल धागा छोड़ा तो सफेद धागा पहन लिया, सफेद धागा छोड़ दिया लाल धागा छोड़ दिया तो पंचशील के धागे में आस्था चली गई। लेकिन क्या हम अंधविश्वास से कहीं मुक्त हो पाए? नहीं। हमने वहाँ चीज की कहते हैं ना कि एक गंदगी हमने छोड़ी और दूसरी गंदगी अपने ऊपर फिर लाद ली, तो उसका मतलब क्या हुआ? अरे हम जो गंदगी छोड़ के आए हैं वो गंदगी अगर हम स्वच्छता के रास्ते पे आए, अगर स्वच्छता की जगह पे आए हैं तो वहाँ तो कम से कम गंदगी ना करें। लेकिन होता क्या है कि वहाँ भी गंदगी छोड़ा है और वहाँ से हम यहाँ भी आए तो वहाँ अपनी गंदगी लेके आए तो यहाँ भी छोड़ रहे हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो बताओ जब हम रोग से कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं कि अगर हमने सर्दी जुकाम की दवा कर ली तो बुखार आ गया, बुखार की दवा करी तो कोई हमको खुजली हो गई, अगर खुजली की दवा करी तो हमको हाथ पैरों में दर्द हो गई, अगर हाथ पैरों के दर्द की दवा दी तो आँख में दर्द हो गई, आँख में दर्द की दवा करी कान में दर्द हो गई। क्या हम कभी रोग से मुक्त हो पाते हैं? नहीं हो पाते हैं। इसी प्रकार से हमें जिस प्रकार से हमें अपने घर की सफाई करनी है उसी प्रकार से हमें अपने मन की सफाई भी करनी है। क्या करना है? जिस प्रकार से हम रोज अपने तन को साबुन से और उससे धोते हैं उस प्रकार से हम अपने सीलों से अपने मन के मैल को धोते रहें। क्या करें कि सीलों का अनुपालन करके और बार बार सीलों को याद करके और ग्रहण करके हम अपने मन के मैल को दूर करें, सही है ना? तो हम जब मन के मैल को दूर करेंगे तभी तो हमारे अंदर लोगों के प्रति करुणा जागेगी। अगर लोगों के प्रति करुणा जगी, आज आप उसका उदाहरण स्वयं आप सभी लोग बैठे हो, आपके मन में एक करुणा जगी, आपके मन में एक दया की भावना जगी, दया की भावना जगी तो आपका ध्यान सहयोग की ओर गया और सहयोग की ओर गया तो आज आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया और इतना बड़ा कदम उठाया तो आज आप लोग बड़ा सराहनीय काम किए हैं। तो जिसके आज कितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है, क्योंकि आपने किसी का सहयोग करने की भावना से आज आप इतना बड़ा आयोजन कर रहे हो, इतना बड़ा कार्यक्रम रखा है। तो इसलिए आप जब धम्म की ओर जाएंगे, आप धम्म के मार्ग पे चलते रहेंगे तो आप में करुणा मैत्री और आपके मन में ये जगते रहेंगे तो सहयोग की भावना, इंसानियत, मानवता की भावना आप में पनपती रहेगी, पनपती रहेगी। तो इसलिए हम आशा करते हैं आप लोगों से कि धम्म के प्रति आप सभी लोग कदम बढ़ाएं। और आज बहुत अच्छा भी लग रहा है कि हमारी माता बहने आज धम्म के लिए देखिए सफेद साड़ियों में, तो हम अपनी ऐसी संस्कृति को भी, धर्म की जो संस्कृति है उसको भी समय समय पे दर्शाते रहे और लोगों को बताते रहे ताकि
ताकि लोग हमें धर्म के प्रति आकर्षित होकर के हमसे जुड़ते रहें। बहुत बहुत साधुवाद।